हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणा साइड ब्लॉग्स पे आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी बचे हुए सुबह के साथ और हम लुधियाना में, मैंने जैसे आपको कल व्लॉग में दिखाया था कि हम दिल्ली टू कटरा जा रहे थे, बट बीच में लुधियाना रुक गए क्योंकि रात हो गई थी। तो हम लुधियाना में अभी बचे हुए सुबह के साथ, तो अब हम निकल रहे हैं कटरा के लिए। तो बीच में जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जिसने अब तक मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है वो प्लीज देखिए। दिल्ली टू कटरा के लिए हम निकले थे बट रात हो गई थी, हम लुधियाना में रुक गए थे। तो अभी लुधियाना से हम निकल रहे हैं और बीच में जो भी चीजें मैं आप सबको दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो अब फिफ्थ टोल आ चुका है जिसके चार्जेस 150 रुपीज है। तो कल जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में कि चार टोल आ चुके थे, तो अब ये पांचवा टोल है जिसके चार्ज 150 रुपीज है। अभी हम लुधियाना से निकले हैं तो ये लुधियाना का टोल है, तो इसके बाद देखते हैं और कितने आते हैं। तो बने रहिए, आपको दिखाती हूँ मैं और भी जो आएंगे टोल वगैरह, तो देखते हैं। यहाँ पे भी ज्यादा रश नहीं है, खाली है ये भी। तो हम छठे टोल पे आ चुके हैं, ये सिक्स टोल है, इसके चार्जेस 120 रुपए हैं। यहाँ पे भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, ठीक ही था, खाली था मतलब। तो ये छठा टोल था हमारा अब तक का दिल्ली से कटरा के बीच में। चलिए चलते हैं अब आगे, देखते हैं क्या है। और अभी तो खेत ही खेत आ रहे हैं सामने दोनों साइड। और यहाँ पे एक चीज है, कीनू बहुत मिल रहे हैं यहाँ पे, शायद कीनू की खेती बहुत होती है पंजाब में, तो आपको पूरे रोड पे कीनू ही कीनू दिखाई देंगे आराम से। तो ये देखिए, मैं आपको बता रही थी यहाँ साइड में कीनू ही कीनू है, तो देखिए ऐसे ही पूरे रोड पे आपको कीनू। तो फ्रेंड्स, अभी हम जालंधर से आगे निकल चुके हैं, अभी कोई टोल तो आया नहीं है, बट यहाँ पे अभी कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है, बीच में कोई ढाबा या कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बस हाईवे ही है ये पूरा और दोनों तरफ इसके खेत है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी खेत आएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और जो मैंने बहुत अलग देखी, पहले भी शायद जब पहले भी मतलब मैं आई थी बहुत साल पहले वैष्णो देवी, जब मैंने देखी थी यहाँ पे छतों के ऊपर अलग अलग तरह के वो बने हुए हैं, जैसे कि एरोप्लेन, कोई ईगल, पैरेट, ऐसे ऐसे। वो मैं मतलब मुझे पता नहीं था पहले लास्ट टाइम, तो मुझे किसी ने बताया था कि वो पानी की टैंक है यहाँ पे, जो टंकियाँ होती है ना पानी की, वो इस शेप में बनाते हैं। तो अगर आपने देखी है या नहीं देखी मुझे नहीं पता, अगर आप आए तो एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं अभी वीडियो बना नहीं पाई, बहुत सारी मेरे सामने से गई थी, तो अभी अगर दिखेगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी उसकी। तो चलिए अभी देखिए खेत है इस साइड पूरे। अगर आती है तो मैं आपको दिखाती हूँ और टोल भी आता है तो बताती हूँ, बट अभी कुछ आया नहीं है, ना ही कुछ खाने का है अभी तक, तो देखते हैं कुछ आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ग्लास बनाया हुआ टैंक के वो घर के ऊपर, ऐसे कुछ कुछ बनाया हुआ लोगों ने, मैं और दिखाती हूँ। अभी आगे एक बॉल भी है वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये साइड में बनी हुई है, तो ऐसे यहाँ पे ये टंकियाँ बनी हुई है। और भी दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए एक ये बनी हुई है जैसे, तो ऐसे अलग अलग शेप में बने हुए हैं, कोई गिलास, कोई मतलब बर्ड्स बने हुए हैं, कुछ कुछ जो मन कर रहा है वो लोगों ने बना रखा है अपनी पसंद से। तो ये सारी चीजें यहाँ पे है, ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, ये फाटक से हम जा रहे हैं, ये कुछ टर्न किया है, अब देखते हैं कहाँ निकलता है वाला रास्ता। सीधा जाने पे वो था गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर, बट बीच में से कट है जो वैष्णो देवी के लिए शायद निकलता है कटरा के लिए। तो अब ये देखिए फाटक है, तो हमने ये पार कर लिया, ये कोई गांव है यहाँ का, इसमें से हम निकल रहे हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल बने हुए हैं सारे टैंक के। खेत आ गए उस गांव से निकलने के बाद, ये सारे खेत हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मशरूम का फार्म भी है, ये तो
फ्रेंड्स अभी हम एक ढाबे पे रुके थे बीच में, मतलब और कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे एक छोटा सा ढाबा था उस पर रुके थे, क्योंकि भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था हमने, तो यहाँ पे हमने आलू पराठा ऑर्डर किया है, आलू पराठा मिक्स पराठा, और उसके साथ खाइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर किया मैंने अपने लिए, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ऑर्डर किया है आलू पराठा और इसके साथ दही है और अचार है। तो यहाँ पे हमें और कुछ दिख नहीं रहा था, तो हमने सोचा यहीं से खा लेते हैं, क्योंकि यार क्या पता मिले ना मिले, तो इससे अच्छा है कि आप यहीं से खा के चलो। तो अब हम वहाँ से निकल चुके हैं, हमने जहाँ पे ढाबे पे खाना खाया था, क्योंकि एक पराठा खाया मैंने, खाया एक मेरे हस्बैंड ने खाया, तो इतना ही था, भूख भी ज्यादा नहीं थी और दही थी उसके साथ। तो अब बढ़ते हैं फिर से आगे, देखते हैं आगे क्या क्या है, अभी तो कोई टॉल आया नहीं बीच में, आगे देखते हैं कुछ आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो खेत ही चल रहे हैं, और अब हाईवे पे आगे, पहले गाँव में से निकल रहे थे हम, बहुत कोई गाँव था उसके अंदर से निकले थे, अब फिर से हम हाईवे पे आ चुके हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या आता है। यहाँ पे सुबह धुंध थी बहुत, मतलब एक ठंड नहीं है बट ओवैसे धुंध थी, तो बट ठंड बिल्कुल भी नहीं है जैसे दिल्ली में है वैसा ही है, रात को थी थोड़ी बहुत बट अब सुबह तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। तो दोस्तों अब ये सातवां टोल आ चुका है, जिसके चार्जेस है 125 रुपीज, ये पठानकोट का है शायद से, क्योंकि पठानकोट लिखा हुआ था पीछे, ये पठानकोट का है, तो यहाँ के चार्जेस है 125 रुपीज, ये सेवन्थ है। तो दिल्ली से कटरा के लिए अभी अब तक ये सेवन्थ टोल आ चुका है, और यहाँ पे भी ज्यादा भीड़ नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा सेवन्थ टोल भी पार हो चुका है, अब हमने पठानकोट से निकले हैं, अब हम आगे देखते क्या है। और हमने जैसे ढाबे पे लास्ट में दिखाया था, वहाँ पे पराठे खाए थे, उसके बीच में और कुछ भी खाने का नहीं आया, तो अब देखते हैं आगे कुछ आता है नहीं आता और क्या क्या होता है। अभी खेती है साइड में, यही सारी चीजें आ रही जो मैंने आपको दिखाई थी, तो कुछ अलग से आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हम जम्मू आने वाले हैं, अभी जम्मू आने वाले हैं, 90 किलोमीटर है शायद या उससे भी कम है। तो देखिए यहाँ की सड़कें कितनी अच्छी है, पहाड़ भी दिखाई देने लग गए हैं यहाँ से, और ये देखिए ये सारी चीजें। रास्ता बहुत अच्छा था, अगर आप बात करें तो कार से आने में कोई भी हमें ऐसी दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था अब तक का, तो आगे देखते हैं कैसा होगा। तो दोस्तों फाइनली हम जम्मू में आ चुके हैं, देखिए जम्मू में एंट्री कर चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे क्या है, तो चलिए देखते हैं। अभी तो खाली खाली रोड दिख रहा है, यहाँ पे आगे जाके देखते हैं। हमने कोई बोल रहा था पीछे कि ये थोड़ा भीड़ हो जाती है जम्मू में एंट्री के बाद, तो देखते हैं भीड़ होती है नहीं होती, कैसा होता है। अभी बजे हुए हैं 1:15, तो देखते हैं कितने बजे तक हम कटरा तक पहुँचते हैं। और बीच में हमने सिर्फ वहीं पे रुके थे ढाबे पे, उसके बाद एक बार शायद पेट्रोल के लिए रुके थे, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं रुके, तो देखते कितना टाइम लगता है। हम वहां से निकले थे 8:30 के करीब, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 8वां और जम्मू का फर्स्ट टोल है, जो कि 95 रुपीज का है, तो ये हमारा 8वां टोल है दिल्ली से कटरा तक के, और ये जम्मू का फर्स्ट टोल है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, यहाँ भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, तो देखिए ये है जम्मू, अभी तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम सुबह नहीं होता, 4-5-6 बजे के करीब होता है, जैसे हमारे यहाँ पे खाली एकदम वैसे ही यहाँ पे अभी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बहुत फेमस राजमा चावल की शॉप भी, अगर देखते अगर पास आस पास ही हुई तो वहां भी जाने के ट्राई करते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के, मिलता है टाइम तो चलते हैं, अभी देखते हैं कितनी दूर है वो यहाँ से। और एक चीज, जैसे हर सिटी की अपनी अलग वाइब्स है, जैसे पंजाब में थे वहाँ पे खेत था, हरियाली थी और सरदार और ये सारी चीज, मतलब एक पूरा जो जैसे हमने पंजाबी गाने सुनते हैं या दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जो देखा था प्रॉपर वही लग रहा था। अब जैसे जम्मू में आ गए तो जम्मू वाली फील आ गई है, ठंड वाली है नहीं ठंड, बट एक होता है ना कि आपको जम्मू में अलग से फील हो, लोग दिखने लगे हो उस हिसाब के, तो अपनी हर सिटी का अपना एक अलग है, अलग ही मजा है, तभी शायद कहते कि लोगों को घूमना चाहिए जो घूमते हैं, तो उन्हें हर जगह का पता होता है, हर तरह की लैंग्वेज का पता होता है, खाने का पता होता है, तो वो घूमना, अगर मेरी बात करो मुझे इतना पसंद है कि मतलब
आप घूमो और चीजें देखो, वहाँ के कपड़े, वहाँ का कल्चर। एक जगह पर हम जब रहते हैं ना तो हम उसी के आसपास चीजें देखते हैं और उसी को अच्छा मानते हैं। तो अगर हम बाहर निकलते हैं, वहाँ दूसरों को कल्चर भी अच्छा लगता है, दूसरों का खाना पीना, ये सारी चीजें, कपड़े, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। तो मेरे हिसाब से घूमना चाहिए लोगों को जब टाइम मिले, जब भी थोड़ा बहुत मौका मिले लोगों को निकलना चाहिए। हाँ, इतना नहीं पॉसिबल हो बट थोड़ा बहुत इधर उधर जाना चाहिए और दूसरे का भी कल्चर समझना चाहिए कि कैसा होता है। जैसे हमने सुना था कि ट्रैफिक होगा, अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है, अभी तक तो खाली रोड मिला है बिल्कुल। तो देखते हैं कि, और यहाँ पे एक चीज है, गर्मी बहुत है, अभी तो बहुत ज्यादा ही गर्मी है। जैसे अभी तो इतनी दिल्ली में भी नहीं है जितनी यहाँ पे लग रही है मुझे। देखते हैं शाम को कैसा होगा। अभी हमें लग जाएंगे 2 से 2.5 घंटे पहुंचने में कटरा तक, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों हम ये जम्मू के अंदर से निकल रहे, कैसे रोड है यहाँ पे और साइड में पहाड़ भी है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे आएंगे। पीछे गए थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कैप्चर नहीं कर पाई, बट ये पूरा पहाड़ों पे है। ये हम अंदर की साइड से निकले हैं जम्मू के, बड़ा ही छोटा सा रास्ता है ये वाला। देखिए दोस्तों ये गांव पूरा पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। देखिए सारे घर जो है, अभी दिखाती हूँ मैं, ये सारे घर पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं। बिल्कुल पतला सा संकरा सा रास्ता है ये, देखिए। ये जम्मू के अंदर कोई गांव है, वहां से हम निकलते हैं। देखिए कुछ छोटा सा रास्ता, जैसे पहाड़ों पे हमारी तरफ होता है ना उत्तराखंड में, तो या हिमाचल पे, वैसे ही सेम है यहाँ। ये देखिए गाड़ी कैसे, ये सारा रास्ता है यहाँ से। ये भी एक देखिए यहाँ गलियां, देखिए यहाँ पे बिल्कुल गोल वैसे ही रास्ता जैसे पहाड़ों का, जैसे अपने यहाँ होता है। पर ये भी अंदर का ही है किसी गांव के। देखिए यहाँ पे साइड में, तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हाईवे NH 44 पे। यहाँ से 37 किलोमीटर दूर है सिर्फ कटरा, तो चलिए चलते हैं। बस थोड़ी देर में आने वाला है, यहाँ पे 48 मिनट दिखा रहा है, ज्यादा 1 घंटा लग जाएगा बस, तो फिर हम पहुँच जाएंगे कटरा। देखिए वैष्णो देवी के लिए कितना अच्छा रास्ता बना दिया गया है। पहले जैसे मैं बहुत साल पहले आई थी तब ये रास्ता नहीं था, अब देखिए बिल्कुल एकदम स्मूथ, एकदम अच्छा रास्ता बना दिया है यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हैं गाड़ी से आ सकते हैं, मतलब मुझे तो ठीक लगा गाड़ी से आना। अब तो देखिए ये है टनल, और ये देखिए कितनी प्यारा नेचर का अलग ही एक वो है, मजा है। देखिए अब फाइनली टनल आ चुका है नेशनल हाईवे, ये आ गया हमारा टनल। हम वहां पे गए थे लोनावला खंडाला में, वहां भी बहुत अच्छे अच्छे टनल थे, मैंने आपको दिखाए थे शायद मेरे खंडाला वाले ब्लॉग में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टनल जा चुका है और अब हमारे बस आधा घंटा और लगेगा हमें पहुंचने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। ये वाला टनल देखिए, ये बहुत बड़ा टनल है, ये थर्ड है, बीच में एक और आया था वो मैंने आपको दिखाने में, थोड़ा छोटा था, ये वाला बहुत बड़ा है, तो मैं सोचा आपको दिखा दूं। देखिए बिल्कुल अंधेरा, और ये बैक टू बैक है तीनों टनल ना, एक साथ ही है, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस में है, 2-2 मिनट के पे। और अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद एक और टनल है, एक और टनल आया।
में ये चारों, ये थर्ड था वो, ये फोर्थ है। देखिए फोर्थ टनल, इसमें बिल्कुल अंधेरा सब बहुत, ये सब ये उससे भी बड़ा है शायद थर्ड वाले से भी। बसेस जा रही है, गाड़ियां जा रही है, इसका भी एक अलग ही मजा है यहाँ से जाने का। यहाँ पे बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं बीच रास्ते में, पर यहाँ पे एक चीज बहुत गलत कर रहे हैं लोग, जो कि जाते हुए ना उनको बीच में खाना डाल रहे हैं, तो इससे बंदर की लाइफ के लिए रिस्क है। खैर इंसान दोनों की लाइफ के लिए, कोई पीछे से आ रहा है उसकी गाड़ी को हो जाए या बंदरों को हो जाए नुकसान कुछ, तो बीच में ऐसे खाने जो डाल रहे लोग उनको डालना नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाह रहे हो तो साइड में कहीं रख सकते हैं, बट वो बीच में ऐसे डाल रहे हैं तो बंदर भाग के आ रहे हैं जैसे मेरे साथ। फाइनली हम होटल में आ चुके हैं, पीछे देखिए हमारे होटल है, तो हमने चेक इन कर लिया, अब हम बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे खाने के लिए क्या है, और कल की वो यात्रा पर्ची होती है उसका भी बारे में पूछते हैं कल सुबह हमें करनी है चढ़ाई। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, और खाने के लिए भी देख रहे हैं कुछ मिलता है अच्छा सा, और मार्केट भी है तो मार्केट में भी घूम लेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ ही आपको बनगा की मार्केट। देखिए अब वैष्णो देवी में मॉल भी खुल चुका है, यहाँ पे मूवीज लगी हुई है पठान और प्यारी। तो ये कटरा रोड है, यहाँ पे देखिए आप ये सारी चीजें ले सकते हैं, प्रसाद वगैरह। तो ये सारी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, प्रसाद की दुकान है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। होटल्स भी बहुत सारे हैं लाइन से पहले, खैर हमने पहले बुकिंग कर दी थी होटल भी। और सामने देखिए वो पहाड़ है माता रानी के, देखिए यहाँ पे सारी चीजें, ये पूरी मार्केट है कटरा मार्केट। पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ से यात्रा पर्ची मिलती है, जो कि 6 घंटे पहले लेनी पड़ती है आपको, बाणगंगा मतलब 6 घंटे के अंदर जाना है वहाँ से। तो हम सुबह लेंगे क्योंकि हम कल यात्रा करने वाले हैं, तो हम कल सुबह के पर्ची लेने वाले हैं। और ये देखो थोड़ा जो अभी इतनी भीड़ दिखाई नहीं दे रही, सुबह पता नहीं कितनी भीड़ होगी। अब जा रहे हैं हम खाने, तो मिलते हैं खाने के बाद। तो गाइस अब हम आए थे रेस्टोरेंट में खाने के लिए, अभी हमने ऑर्डर किया है दाल पनीर रोटी, तो अभी खाके बताते कैसे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं आटे की रोटी है, तो आटे की रोटी खा के बताते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मंगवाए हैं थाई बल्ली, देखिए कितने डिलीशियस लग रहे हैं, कितने बढ़िया है देखने में। तो फ्रेंड्स हमने खाने में मंगवाई है येलो दाल और राइस, और उसके साथ कढ़ाई पनीर, तो ये चीजें हमने मंगवाई है। तो चलिए खाती हूँ और खाके बताती हूँ कैसी है। तो खाना हमारा डन हो चुका है, और जो पीछे रेस्टोरेंट देख रहे हैं इसमें हमने खाया, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा खाना था। अगर आप आ रहे हैं वैष्णो देवी तो मैं रिकमेंड करूंगी आप यहाँ पे जरूर आइएगा, ट्राई करिएगा। यहाँ पे प्योर आटे की रोटी थी, ऐसा नहीं था मैदे की रोटी थी, खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था, तो आप जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं और कुछ मिलता है या फिर सीधा रूम पे जाते हैं। तो अभी बजे हुए रात के 9, और मेरे पीछे देखिए वैष्णो माता के पहाड़ है, तो कल हम यहाँ पे चढ़ाई करेंगे, कल हम जाएंगे सुबह, कल हम मॉर्निंग में 6-7 बजे जो भी होगा उस टाइम पे जाएंगे। और तो अभी इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं, तो कल मेरे साथ बने रहिएगा, आप भी मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, तो मिलते हैं कल। जय माता दी।